भाई ये 36,000 के आसपास चली, सिर्फ 36,000। ये गाड़ी एकदम परफेक्ट ऑल ओके कंडीशन में एकदम डीजल डालेंगे और घर लेके जाएंगे, डीजल डाली और ऑल इंडिया चलाते रहे, घूमते रहिए। लग्जरी गाड़ी है, आराम से आप लगन में इसको 7 सीटर में चूल्हा वगैरह का भी यूज हो जाएगा। लगभग 48,000 मतलब बम्पर धमाका ऑफर, आपको 42,000 40,000 डिस्काउंट रहेगा, 30-40,000 डिस्काउंट रहेगा, 38,000 के आसपास। हेलो गाइज, नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड मेरे फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ पटना में, एंड जब पटना में आया हूँ तो आज मैं ओम साई मोटर पटना में आए हैं, और पटना में अभी राजा भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजा भाई कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, अपना मस्त है ना, जबरदस्त जिंदाबाद। तो कैसा रहा अभी गाड़ियों का रिस्पांस मेरे वीडियो के थ्रू? बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा आया, बहुत काफी ज्यादा। तो दोस्तों वन सेकंड, अभी स्कॉर्पियो की सारी डिटेल आपको बताने वाला है, और स्कॉर्पियो का भी कलेक्शन है बहुत सारा। बात करें तो भाई लोग बहुत सारे लोग अपने बिहार के जो है वो लोग अभी स्कॉर्पियो दूर दूर से ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज स्पेशल वीडियो पटना में मैं शूट कर रहा हूँ। और अभी ओम साई मोटर कार बाजार में हूँ, और यहाँ पर अभी भाई स्कॉर्पियो की डिटेल देने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कमेंट में स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो बिहार का राजा गाड़ी, हाँ। क्या डिटेल होगा इसका? ये VLX 2012 मॉडल है। अच्छा, 2012 मॉडल VLX होगा। कितना चला होगा? लगभग 48,000 किलोमीटर, ओनली 48,000 चली हुई 2012 मॉडल स्कॉर्पियो VLX। फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर? गया का नंबर है, गया का नंबर स्टेशन है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्कॉर्पियो VLX, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर कोई कस्टमर आते हैं मेरे थ्रू, कितना उसको देना होगा डाउन पेमेंट? आपके थ्रू आते हैं तो वही 2.5 से 3 लाख देना होगा। 2.5 से 3 लाख मात्र देंगे तो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी लेके जा सकते हैं। 30% देना होगा, 30%। और बाकी बात कर ले इसकी ओवरऑल प्राइस की, तो डिस्काउंट रहेगा जैसे, ऐसे अगर प्राइस कितना है, जैसे अगर बात करें इसे, इसका प्राइस है 6,25,000 ऑन द टेबल आने के बाद, कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहेगा दोस्तों आपको सभी गाड़ियों पे जो भी आपको देख रहे हैं। तो ये है दोस्तों स्कॉर्पियो VLX जैसी गाड़ी, एंड आइए आपको साफ सुथरी इंटीरियर दिखाते हैं। देखिए ये है स्कॉर्पियो VLX का, और इसमें आपको आराम से लगन में अभी चला सकते हैं। गाड़ी बहुत ही साफ सुथरी वेल मेंटेन कंडीशन में है, VLX जैसी गाड़ी, और काफी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी कंडीशन में है। ये लो आई व्हील्स भी आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, तो बहुत ही बेहतर रही स्कॉर्पियो का फर्स्ट सेगमेंट में VLX जो कि 6.25 में है, बाकी 2 से 2.5 लाख डाउन पेमेंट करके लेके जा सकते हैं। तो आपने देखी फर्स्ट सेगमेंट की एक VLX, एंड बात करते हैं अगले स्कॉर्पियो की, ये कौन सी वेरिएंट है? ये S11 है। अच्छा, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल कौन सा वेरिएंट? S11 2019 मॉडल S11 स्कॉर्पियो। बात करें कितनी चली होगी ये? आपको 32,000 किलोमीटर, सिर्फ 32,000 चली हुई, और किलोमीटर जो है ऑल ओरिजिनल है ना, ऐसा नहीं ना कि वो तो ऑनर जो देता है वही हम लोग लेते हैं। लगभग कितना में आप छोड़ देने वाले इसको? ये 13.5 लाख प्राइस है, डिमांड है, आने के बाद 13 लाख तक छोड़ देंगे। तो 13 लाख S11 का, एंड आने पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहेगा, एंड हाँ बजट डाउन पेमेंट रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। तो 4-5 लाख के रेंज में लेके आते हैं तो चार लेके आते हैं, हो जाए। स्कॉर्पियो S11 जैसे आपको गाड़ी मिल जाने वाली है। बाकी आइए गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाते हैं, बहुत ही साफ सुथरी है। और गाड़ी कहाँ का रजिस्ट्रेशन है? हाजीपुर नंबर है, 3002 VIP नंबर है, VIP नंबर है, हाजीपुर रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाते हैं जो कि वेल मेंटेन में होने वाली है। ये आपको S11 का इंटीरियर दिखाते हैं जो कि बहुत नीट एंड क्लीन होने वाली है। S11 चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलेगा, कंपनी फिटेड, हर चीज आपको, म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, और सीट भी बहुत ही खुशबूदार कंडीशन में है। गाड़ी का इंटीरियर एकदम न्यू जैसा आपको फील होगा, गाड़ी न्यू सब की गाड़ी है स्कॉर्पियो S11। इसमें आपको सारे फीचर्स, स्टेरिंग के कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो, ठीक है, सब चीज आपको मिल जाएगी, क्रोम डोर वाइजर, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे गाड़ी के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। एलॉय व्हील्स की भी टॉप मॉडल गाड़ी है, तो आप समझ सकते हैं फुल्ली अमेजिंग कंडीशन में है, देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है स्कॉर्पियो S11, ठीक है। चारों टायर आपको इसका ब्रांड न्यू मिलने वाला है, S11 की बैचिंग देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो ये रही दोस्तों स्कॉर्पियो S11, एंड आइए बात करते हैं अगली गाड़ी की, अगली स्कॉर्पियो की। तो गाइज आपको बैक टू बैक स्कॉर्पियो दिखा रहा हूँ, एंड अभी एक और बिहार की राजा गाड़ी, क्या डिटेल होगा इसका? ये S2 है 2016। अच्छा, S2, एक तो बिहार की राजा गाड़ी स्कॉर्पियो, ऊपर से S2। S2 का तो डिमांड आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगन में तो भाई अधिकतर लोग पहला ऑप्शन S2 और सेकेंड ऑप्शन S3, अगर कम बजट है तब उसके बाद SLE EX जो भी वेरियंट है, या M2DI जो भी कह सकते हैं वो है। तो S2 हो गई 2016 मॉडल S2। कितना चला होगा गाड़ी ये? आपको 42,000 किलोमीटर चली, 42,000 मात्र स्कॉर्पियो S2 चली हुई, ठीक है। एंड बात कर ले इसकी प्राइस की, तो कितना देना होगा इसको? इसका प्राइस 9.5 लाख है, 9.5 लाख, 9 लाख 11,000 तक में हो जाएगा।
मतलब कहा जाए तो भाई बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने वाले हैं मेरे वीडियो को आइएगा। तो पटना नंबर स्टेशन है स्कॉर्पियो S2, तो गाड़ी बहुत ही वेल मेंटेन में, अभी इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ। डिस्काउंट भी हो जाएगा लगभग 3 से 4 लाख डाउन पेमेंट इसमें भी हो जाने वाला है, एकदम 9,50,000 वैसे प्राइस है, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, भर भर के आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। आइए आपको इंटीरियर दिखाते हैं गाड़ी का। तो इंटीरियर S2 का जो कि देख पा रहे हैं, चारों पावर विंडो बहुत ही अमेजिंग कंडीशन में है, फुल अमेजिंग कंडीशन होने वाला है। सारे फीचर्स आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों टायर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, एकदम न्यू कंडीशन में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं S2 की बैजिंग लगी हुई है। एंड ये रही दोस्तों स्कॉर्पियो S2 का पोलो का टायर है, लगभग 70-80% टायर का कंडीशन बचा हुआ। अगली गाड़ी की तरफ आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैक टू बैक कलेक्शन देख लिया है, एंड अभी आपको दिखाने वाले हैं कार सेगमेंट की गाड़ी जो कि अर्टिगा 7 सीटर अर्टिगा है, क्योंकि 7 सीटर अर्टिगा की डिमांड बहुत ज्यादा है, स्पेशली फैमिली वालों के लिए, या फिर VDI डीजल है। अच्छा VDI डीजल होगी, मतलब डीजल में तो माइलेज इसका खतरनाक एकदम होने वाला है, लगभग 20 प्लस रहेगा। हाईवे पे अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो 20 प्लस आपको देगा, बाकी आप माइलेज को जानते ही, अर्टिगा सुजुकी की गाड़ी है। कौन सा वेरियंट है, मतलब 2015 मॉडल है, एंड कितनी चली होगी लगभग? लगभग ये 36,000 के आसपास चली होगी, सिर्फ 36,000। ये गाड़ी एकदम परफेक्ट ऑल ओके कंडीशन में, एकदम डीजल डालेंगे और घर लेके जाएंगे, डीजल डाली और ऑल इंडिया चलाते रहे, घूमते रहे, लग्जरी गाड़ी है, आराम से आप लगन में इसको 7 सीटर में सेवन वगैरह का भी यूज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो कितना डिस्काउंट देना होगा व्यूअर को? आपको लगभग प्राइस 30-40 हजार डिस्काउंट रहेगा, 30-40 हजार डिस्काउंट रहेगा। एंड जानते हैं इसका अमेजिंग प्राइस क्या होगा, इसका 675,000 ओनली 675,000 में आपको अर्टिगा जैसी गाड़ी मिल जाएगी, और लगभग थोड़ा आएगी तो 630,000 तक में एकदम 630,000, मतलब बम्पर धमाका ऑफर आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी आके एक बार विजिट करिए, पटना नंबर है, फर्स्ट ओनर फर्स्ट ओनर गाड़ी हो गई, फर्स्ट ओनर तो ठीक है। आप वीडियो के थ्रू आइए, आपको एकदम तगड़ा वाला डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं, 7 सीटर गाड़ी है, आइए। चारों टायर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और अर्टिगा जैसी गाड़ी 7 सीटर फुल लग्जरी कंडीशन में है, बहुत ही अमेजिंग है। चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल जाएगा, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, एसी हीटर, हर चीज ऑल ओके कंडीशन, एकदम खुशबूदार कंडीशन में आपको मिलने वाला है गाड़ी। क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वीडियो को थ्रू आइए, कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर पाइएगा। गाड़ी आपको यहाँ पर बैक टू बैक चेंज होती रहती है, तो जल्दी से जल्दी आके आप गाड़ी बुक कीजिए एंड गाड़ी अपने घर लेके जाइए। आइए अगली गाड़ी की तरफ आते हैं, मारुति सुजुकी की डिजायर 2015 मॉडल, मारुति सुजुकी डिजायर 2015 मॉडल, क्योंकि कहा जाए लो मेंटेनेंस गाड़ी, बाइक के मेंटेनेंस में आप गाड़ी को ले जा सकते हैं। एंड कौन सा मॉडल है? 2015 मॉडल फर्स्ट ओनर पटना नंबर। अच्छा 2015 मॉडल फर्स्ट ओनर पटना नंबर गाड़ी है, डीजल में ये गाड़ी भी होने वाली है, बैक टू बैक डीजल की गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कितनी चली होगी? लगभग 38,000 के आसपास चली ये गाड़ी, मात्र 38,000 चली हुई गाड़ी है। बात कर ले इसकी प्राइसिंग की, तो क्या होगा? प्राइसिंग 5,25,000 है, ऑन द टेबल आने के बाद आपको फाइनल 480 तक हम लोग छोड़ देंगे। 480 तक आ जाए तो डिस्काउंट करके आपको दिया जाएगा एकदम, भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर आप आते हैं तो हो जाएगा, लेकिन आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, ठीक है? तो जो कि शुभ डिजायर है, जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, आइए गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। गाड़ी में आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेगा, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, एसी हीटर, एकदम फुल ओरिजिनल ऑल ओके कंडीशन में आपको मिलने वाला है, कंपनी फिटेड सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों सुजुकी का स्विफ्ट डिजायर, अगर आप दूल्हा वगैरह जैसे लगन में गाड़ी खोज रहे हैं तो ऐसी गाड़ी आप ले सकते हैं, या फिर आप स्कॉर्पियो ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। ऑल वेरियंट की गाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगली गाड़ी की तरफ आते हैं, मारुति सुजुकी का वैगनआर है 2000, वैगनआर जो की वैगनआर का तो डिमांड काफी रहता है, ऑटोमेटिक है। हाँ ऑटोमेटिक। अच्छा तो फर्स्ट ओनर है। अच्छा फर्स्ट ओनर गाड़ी है वैगनआर, पटना नंबर स्टेशन। कितना चला होगा ये? आपको 30 के आसपास चली, 30 के आसपास चली हुई फर्स्ट ओनर। एंड बात कर ले इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसकी 5,11,000 है, 5,11,000 ऑन द टेबल आने के बाद डिस्काउंट रहेगा, लगभग मान के चलिए 5 में लेके जाने वाले इस गाड़ी को, और बाकी फाइनेंस की सुविधा इसमें भी है 30%। 2 लाख लेके आइए और गाड़ी अपने घर लेके जाइए, ठीक है? बाकी आपको फुल और ओरिजिनल में, इसमें आपको ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल टायर, सब कुछ, हर चीज आपको ऑल ओरिजिनल मिलेगा, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, एसी हीटर, हर चीज आपको, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फुल अमेजिंग। सीट वगैरह भी देख लीजिए, गाड़ी का एकदम न्यू कंडीशन में होने वाला है, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है गाड़ी का इंटीरियर, ठीक है दोस्तों? तो ये है सुजुकी का वैगनआर, ठीक, मिनी रेंज का SUV कहते हैं इसको। तो आइए अगली गाड़ी की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगली गाड़ी हम लोग टाटा नेक्सॉन है, टाटा की गाड़ी। हाँ टाटा की गाड़ी, बात है, 5 रेटिंग लेकर तो दोस्तों देखिए टाटा नेक्सॉन 5 स्टार के साथ, सेफ्टी का दूसरा नाम टाटा बोले तो टाटा नेक्सॉन, मतलब टाटा गाड़ियों में टाटा और जूता में बाटा,
इसका बात ही अलग है। तो टाटा की गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये भी आपको प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे, नेक्सॉन जैसी गाड़ी। हाँ। कौन सा मॉडल है? 2018 मॉडल है। 18 मॉडल मतलब न्यू सेफ की गाड़ी होगी, एकदम एकदम न्यू सेफ की गाड़ी है। 18 मॉडल पेट्रोल, पटना नंबर रजिस्ट्रेशन। कितना चला होगा लगभग? ये 36,000 मात्र चली, मात्र 36,000 चली हुई फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना इसका देना होगा? टाटा ने देना होगा 7,11,000। 7,11,000 लगभग हो जाए, कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो जाए। आप आइए एक बार, नहीं देंगे तो फिर मैं आपसे इनसे भी मैं पूछ लूंगा, डिस्काउंट आपको कर देंगे भाई। और वेरिएंट की बात कर ले तो ये एक्सएम है। अच्छा, एक्सएम वेरिएंट है गाड़ी, नेक्सॉन एक्सएम, टाटा नेक्सॉन एक्सएम। ठीक है, आइए आपको वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द इंडिया दिखाता हूँ। इसका इंटीरियर देखिए, गाड़ी का चारों पावर विंडो है। और स्पेशली मुझे टाटा नेक्सॉन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि रेंज रोवर वाला फीचर्स कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, मोड, इको मोड, सारे फीचर्स मिलेगा इसमें, एकदम लग्जरी सेफ मिलेगा। ये जो सेफ है ये जगुआर का सेफ वाला मोड है इसमें, सब इसमें सारे फीचर्स आपको, स्क्रीन वगैरह हर चीज मिलेगा, स्टोरी पे कंट्रोल्स देखने को मिलेगा, इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत ही तगड़ा होता है। ठीक है, और बाकी सेफेस्ट तो है ही, सेफ्टी का दूसरा नाम टाटा आप जानते ही है। ये आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ले देंगे कुछ ना कुछ, बहुत ही लग्जरी गाड़ी होता है टाटा नेक्सॉन। ठीक है, तो ये है दोस्तों टाटा नेक्सॉन की गाड़ी। जैसा कि आपने ओम साई मोटर्स कार के अंदर जो भी गाड़ियां थी मैंने आपको बैक टू बैक दिखा दिया है, एंड होप करता हूँ कि आपको सभी गाड़ियां बहुत अच्छी लगी होगी, एंड प्राइस भी काफी अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, एंड वहां से आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गूगल मैप का लोकेशन मिल जाएगा, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है तो कॉल करके आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के कंप्लीट होने वाले हैं, 2 लाख होने ही वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।